आप ये चाहती थी कि मैं आपके पति होने का नाटक करूं, मैंने वो किया। आप ये चाहती थी कि मैं देव की राजपुरोहिती बचाने में आपकी सहायता करूं, मैंने वो भी किया। अब मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मेरे परिवार ने आज बहुत सालों बाद इतनी सारी खुशियां देखी हैं। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोच रही हैं, वैसे मैं भी अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूं, और मैं उनके प्रति गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। माता राम जी, आप बैठ जाइए, अभी बाबू आ जाएंगे। अब वो कभी भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है हनुमान, समारोह तो खत्म हो गया होगा। पर सोचे का बात ये है, आज ऐसा कौनो काम पड़ गया जो हमसे भी ज्यादा जरूरी हुई गया। छोटी बहू, अब तो तुम्हारा हट पूरा हो गया ना, चलो अब देव तुम्हें ये लॉकेट पहनाएगा। लो, सोच क्या रहा है, छोटी बहू के गले में पहना दे इसे। बधाई हो एक बार फिर से राजपुरोहित बनने के लिए। राधे राधे। जय शिव सम। समा चाहते हैं कि शपथ हमारी आंखों के सामने ना हो सकी। आप आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। आए का तो था ही, आपका पोता जो राजपुरोहित हुई गवाह। जी। कहाँ है, तनिक मिलवाइए तो राजपुरोहित जी से। हाँ आइए ना, आइए। ये है हमारे राजपुरोहित। देव बेटा, ये है कात्यायनी देवी, खास आगरा से आई है तुम्हें बधाई देने। बहुत बहुत बधाई हो दा देव बाबू, आपको राजपुरोहित बना देख बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जय शिव शंभू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरी याददाश्त वापस आ गई और तू फिर से पहले जैसा हो गया। अच्छा देव, तूने उन लोगों को सच बता तो दिया ना? सच तो आप लोगों को नहीं पता है, मैं देव नहीं अभय हूं, और जिस परिवार की आप बात कर रही हैं वही मेरा अपना परिवार है। अरे किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना। अरे देव, अब कहाँ जाना तुझे? नहीं तो कहीं नहीं जाएगा, आज इतने सालों के बाद तू हमसे मिला है, राधिका से मिला है, अब तो कहीं नहीं जाएगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है दादी माँ। ठीक है, अगर तेरी जिद है तो तू जा, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन एक वादा कर अपनी दादी से कि तू जल्द लौट आएगा। बोलता क्यों नहीं, पहले जैसा इंतजार तो नहीं करवाएगा ना? मैं जरूर आऊंगा।